इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। लॉकडाउन 2 जारी है, इंतजामिया की जानिब से सख्ती से अमल करने की कोशिश भी मुस्तकिल जारी है, लिहाजा कईयों के हाथ पैर भी तोड़े जाने की खबर हासिल है। किसी तरह डर खौफ का माहौल बनाकर हमने कोरोना पर कैसे जीत हासिल की है इसका फिर ढोल भी पीटा जाएगा। सरकार मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, चाहे रियासत भी हो या मरकजी हो, पर कामयाबी के ढोल फिर भी पीटे जाते हैं। जबकि शर्म आनी चाहिए, भारत ने कोरोना का वर्ल्ड कप जीत लिया, इनकी दुनिया में अव्वल नंबर पर। समझ में नहीं आता कि ये कोरोना मरीज बढ़ते कब हैं और कम कैसे होते हैं। वैसे तो हुकूमत अगर ज्यादा दिखाना चाहती है तो इसे कौन रोक सकता है, और घटाना चाहती है तो कौन इसे पूछ सकता है। अब सुनने में आया है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मामले बहुत हद तक घट चुके हैं। कर्नाटक में कामयाब लॉकडाउन की बात कही जा रही है, पर जिस तरह पुलिस इंतजामिया के जानिब से आवाम को पीटा जा रहा है यह भी काबिल मजम्मत है। बेलगाम शहर में भी जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए। सुबह सब्जी किराना सामान लाने के लिए आवाम घर से निकल तो रही है, पर इन्हें कहां से रास्ता शुरू या बंद है नहीं मालूम। अब घर के करीब के दुकानों से किराना खरीदने की बात पुलिस कह रही है, पर दुकान वाले कहां से माल खरीद कर रहे हैं। बाहर निकलो तो पुलिस बेरहमी से पीटती है। इन्हें हर कोई बेवजह घूमने वाला नजर आता है, और इसी तरह की ज़हनियत इनकी बन चुकी है जिसे बंद करना होगा। खैर, अब तो महज 2 दिन के बाद रमजान की ईद है। घर में ईद मनाने की बात कही जाती है, पर चूल्हा जलाए भी तो कैसे, और आवाम का सब्र भी काबिल है। सताइश है, भूखे मर जाएंगे लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे। ज़हनी गुलामी में तकरीबन सभी मुब्तला हो चुके हैं, और यही हुकूमत भी चाहती है। खैर, इस साजिश के तार तो आलमी सतह पर है, भारत तो महज एक प्यादा ही नजर आ रहा है। बीमारी से इनकार बेवकूफी होगी, पर जिस तरह इसका मुकाबला भारत में किया जा रहा है इस पर दुनिया हंस रही है। आलमी मीडिया में भारत के वजीर आजम पर तंज कसा जा रहा है। मोदी हुकूमत की नाकामियां कहां कहां तक गिनाई जाए। 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, दवाइयां नहीं दे सकते, बेड नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, दूसरे मुल्कों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, जिसमें भी वाहवाही बटोरने की कोशिश टीकर बदल कर की जा रही है। रेमडेसिविर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और इस मुल्क के आवाम यह उम्मीद भी करना बेकार है कि आपने वोट ही मंदिर के लिए दिया है तो हॉस्पिटल कहां से मिलेंगे। 2002 के मुस्लिम कश फसाद की बुनियाद पर जिसे वोट दिया गया और फिर वजीर आजम बना दिया गया, तो आपको भाईचारा, अस्पताल, मोहब्बत, अमन, फलते फुलती तजारतें, बाजार की जगह आपको फसाद, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम कत्लेआम, आग धुआं, यही तो नजर आएगा, यही तो मिलेगा। अब किस बात का रोना। अब कोरोना महामारी में भी जहनों को मुंतशिर करने के लिए तेजस्वी सूर्या जैसे घटिया सोच के लोग, जिन्हें इस देश के अवाम ने रुकन पार्लियामेंट यानी एमपी बनाया, मतलब इस देश की अक्सरियत सोच ने ऐसे ही लोगों को वोट दिया जो ये चाहते हैं। अब अगर तड़पती लाशें, टूटती सांसें, लाचार अवाम, बेबस और नाकारा हुकूमत पर अफसोस भी करें तो हासिल क्या है। वाकई तमाम मजहब धर्म तफरके को मिटाकर पहले वाले भारत की तरफ लौटना होगा जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। नफरत आग पर सियासी कुर्सियां हासिल करने वालों को इनके औकात दिखाने की जरूरत है। फिर से उस भारत की ओर पलटने की जरूरत है जिसकी रूह, जिसकी बुनियाद भाईचारा, अमन, सुकून है। देश के मुस्तकबिल को बचाना है तो एकता इत्तेहाद के नारे को बुलंद करना होगा। बहुत कुछ गंवा चुके हैं, गलत नीतियों की कीमत हमने अपनों को खोकर चुकाई है। हुकूमतों का क्या, इन हुक्मरानों का क्या, कब किस पार्टी में किस विचारधारा के साथ चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। कोरोना महामारी ने सबक तो बहुत बड़ा जरूर सिखाया, यही वो संघीय विचारधारा के लोग हैं जिनकी सांठगांठ उस इसराइल से है जो पिछले 60 साल से भी ज्यादा से जुल्म सितम के पहाड़ उन मजलूम फलस्तीनियों पर ढा रहे हैं। कुछ संघीय चड्डीधारी आज भी फलस्तीन के मस्जिद अक्सा पर हुए हमले के बाद खुश हो रहे हैं। ऐसे वक्त में भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट महज इसलिए आ रही है क्योंकि इसराइल ने फलस्तीन मुसलमानों पर गोलियां चलाई, जबकि भारत में मौजूदा हालत में कोरोना से मरने वालों की लाशें उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि वो लोग भी गायब है जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब दिखाकर नफरत का जहर घोलने में हमेशा सरगर्म रहते थे। मुसलमानों को किसी न किसी बहाने निशाना बनाने वाले ये चड्डीधारी जो अब बैंड पहन रहे हैं कहां गायब हो जाते हैं।
आप जिनके बारे में नफरत तरसते रहे हैं वही ये मुसलमान तुम्हारी बेबस बेसहारा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते रहते हैं। वैसे तो यह खास तस्वीर जो फर्जी रहती है इसे अपलोड कर या आरएसएस वाले सामाजिक खदमात का डंडोरा पीटने की इनकी पुरानी आदत है। पर हमने भी बाढ़ हो या जलजला हो, लॉकडाउन में भूखों को खाना खिलाना, पैदल चलने वाले मजदूरों की तीमारदारी करना या फिर मौजूदा कोरोना के दौर में कहीं पर भी ये नफरती गिरोह नजर नहीं आया और ये नजर आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी दिलचस्पी का मौजू यह नहीं है। उन्हें तो आग लगाने में मजा आता है, गरीब के पेट की आग बुझाने से इन्हें क्या मतलब। पर अब हालात बिल्कुल साफ हो चुके हैं, जो गलतफहमियां इन्होंने फैलाई थी कुछ हद तक ही सही पर दूर होती दिखाई दे रही है, ऐसा कह सकते हैं। अब अक्सरियत हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी ज्यादा है, नफरत की राह कभी तरक्की की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। राम मंदिर, मुगलों की गलत तारीख को लेकर यहां तक कि टीपू सुल्तान जैसे पहले मुजाहिद आजादी के बारे में गलत तारीख बयान कर हर जगह नफरत की आग भड़काने की कोशिश करनी थी की गई, पर कोरोना महामारी ने तमाम दुनिया की दिशा को ही बदल कर रख दिया है। इंसानियत कितनी अहम है और कितनी जरूरी है इसका एहसास इस मर्ज कोरोना ने हम सबको दिलाया। आने वाले दिनों में नई नई तरकीबों के साथ नफरती गिरोह फिर से सरगर्म हो सकते हैं। फिलहाल कोरोना ने इन्हें छिपने पर मजबूर कर दिया। जब हालात मामूल हो जाएंगे और आम लोग बाहर आना शुरू कर देंगे फिर ये नफरती गिरोह लौटेंगे, ये फिर अपने बिलों से बाहर इसी नफरती मकसद से बाहर आएंगे, फिर दिल्ली बंगाल जैसे फसाद को रोनुमा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें हर हाल में कुर्सी चाहिए। इक्तदार से दूर मतलब बिना पानी के मछली की तरह ये तड़पने लगेंगे, तभी तो किसान मजदूर कुली गरीब ताजिर की परवाह किए बगैर करोड़ों रुपए देकर एमपी एमएलए खरीदते हैं, मनमानी फैसले लिए जाते हैं, पैसे और ताकत के जरिए अवाम के फैसलों को बदल देते हैं। तभी तो ईवीएम मशीन चुनाव आयोग की गाड़ी में पाए जाते हैं, तभी तो महज कमल की ही पर्ची किसी भी पार्टी का बटन दबाने से निकल जाती है। बंगाल में लाख कोशिश के बाद भी भाजपा जीत नहीं पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी जैसी मजबूत लीडर सामने खड़ी थी। खैर, कहने का मतलब भारत में मुसलमान एक मजलूम कौम के तौर पर है, इन्हें किसी तरह दबाने की कोशिश संघीय विचारधाराओं की जानिब से किया जा रहा है। इस मुल्क के दूसरे शहरी के तौर पर इन्हें बनाने की साजिश रची जा रही है और अक्सरियत हिंदुओं को राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जरूरत है बहुसंख्यक समाज को मनुवादी विचारधारा के विरोध में आवाज उठाना होगा, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, सर्वधर्म सर्वभाव की बुनियादों को उखाड़ने की जद्दोजहद जारी है। लिहाजा कोरोना ने कहीं तो इनके मंसूबों को रोक दिया था। अब लोग मोदी हुकूमत हो या रियासती यड्रोपा हुकूमत से नाराज है, इनमें गुस्सा है और यही समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि धर्म जात पात से बढ़कर इंसानियत है और हर मुश्किल दौर में अकलियती समाज के लोग हमेशा मदद के लिए मैदान में सफे अव्वल में नजर आए। इस देश के मुस्तकबिल को, इसके भविष्य को बचाना है तो इत्तेहाद इत्तफाक एकता से संविधान लोकतंत्र को बचाने की कोशिश सब मिलकर करें, इसी में हम सबकी भलाई है। अब मकामी खबरों पर एक नजर। पूरा शहर साइलेंट मोड पर है, पुलिस के डंडों से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, पर कुछ लोगों ने इसमें भी अपने अकल के घोड़े दौड़ाने की कोशिश किया है और यह घोड़े दौड़ाना भी इनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। खड़े बाजार पुलिस की जानिब से फर्जी शनाख्ती कार्ड यानी आईडी कार्ड बनाने वालों को हिरासत में लिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक विश्वनाथ मुच्चंडी और रोहित कुटरे दोनों बेलगाम शहर के अफराधों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आईडी कार्ड की जब इत्तला पुलिस को हासिल हुई तो रात में कड़ुलकर गली के प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा गया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियां सोसाइटीज फाइनेंस इंडस्ट्रीज के नाम से फर्जी शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे थे। पुलिस कमिश्नर विक्रम अमाटे की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रात देर तक तहकीक जारी थी, तमाम प्रेस को सील किया गया, कार्रवाई जारी। लफ्ज कोरोना ने गोया इंसानियत मोहब्बत ही छीन ली है। एक तरफ बेबस लाचार इंसान तो दूसरी तरफ दम तोड़ती इंसानियत की तस्वीरें हम बारहा देख रहे हैं। क्या से क्या दिन बना दिया इस कोरोना ने। कहते हैं इज्तमाइयत पर अल्लाह का हाथ होता है, पर एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यह भी हमने सुना है कि दो जगह पर देरी नहीं करनी चाहिए, एक जब जमात खड़ी हो और दूसरा मैयत, पर यहां पर भी हमने एक दूसरे से अलग होना ही बेहतर समझा। खैर, इंसानियत मरती देखी जा रही है। अब महज वो दौर ही कह सकते हैं जब किसी का इंतकाल होता तो अजनबी की आंखें भी नम हो जाती थी, पर यहाँ तो तस्वीर ही बदल दी है, घर के ही अफराद गायब हो जाते हैं। बेलगाम सिविल अस्पताल में दो दिन से एक बेसहारा लावारिस लाश पड़ने की खबर सामने आई। जब सामाजिक खदमतगार सुरेंद्र अंगुलकर ने इस लाश को दीवार के किनारे पड़ा देखा तो सिविल अस्पताल वालों से सवाल पूछा कि इस लाश को बाहर क्यों रखा गया है।
इसे मुर्दा घर में क्यों नहीं रखा गया? तो आखिर में उस लाश को उठाकर मुर्दा घर में रख दिया गया। शायद ऐसी कैफियत बेलगाम में तो कभी इससे पहले नहीं देखी गई। लिहाजा कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर शहर के मुख्तलिफ जगहों पर कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। अशोक नगर, सुभाष नगर, मराठा मंदिर और भी दीगर जगहों पर बढ़ते मरीज और अस्पतालों की कमी के मद्देनजर कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी अलग दुनिया में जी रहे हैं। इसी तरह शाहपुर हट्टीवल गली में माई हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए कोविड सेंटर खोला गया था। लिहाजा यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरह गली मोहल्ले में कोविड सेंटर का कायम मुनासिब नहीं है कहते हुए अस्पताल पर ही हमला कर दिया। 100 से भी ज्यादा लोगों ने हमला कर डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ पर जानलेवा हमला कर कोविड सेंटर को बंद करने की बात कही। इस पर डॉक्टरों ने आज ऐतराज जताते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग डीसी बेलगाम से की है। अब IMA के डॉक्टर्स ने अभी इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि डॉक्टरों पर हमले की वारदातों में इजाफा हो रहा है, लिहाजा डॉक्टरों को तहफ्फुज़ फरमाएं वरना डॉक्टर्स अपनी खिदमात को अंजाम देना बंद कर देंगे। इसके बाद के हालात को इंतजामिया ही जिम्मेदार होगी, ऐसा भी कहा गया। लिहाजा हमलावरों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए तहफ्फुज़ फराहम करने का वादा डीसी बेलगाम ने किया। 2 दिन बाद रमजान है और वैसे भी रमजान का महीना जारी है, लिहाजा ईद के मौके पर पानी की किल्लत का सामना वैभव नगर के शहरियों को करना पड़ रहा है। आज वैभव नगर की खवातीन की जानिब से पिछले कई दिनों से पानी न मिलने पर गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाज दर्ज किया और हुकूमत को और पानी इंतजामिया को फौरी तौर पर पानी की सहूलतों को फराहम करने की मांग की। वैसे हर 4 दिन बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की तकसीम की जाती है, पर पिछले 5 दिनों से भी ज्यादा अर्सा गुजरा पानी न होने की वजह से सहरी और इफ्तार में भी पानी पीने को मैसर नहीं हो रहा, ऐसा यहाँ के शहरियों का कहना है। वैभव नगर में पानी की किल्लत को इंतजामिया क्या दूर करेगी, ऐसा भी अवाम की जानिब से सवाल किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वोटिंग डालो अगर तो सब जने आता है, लेकिन वोटिंग की तुमको गरीबों को कौन सी मदद करता है? घर को कहता है वोटिंग डाले तो नहीं आता, सब करते हैं लेकिन गरीब क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या बड़े रास्ते जा रही है? कोरोना का मुझे अपने घर में है, बाइकल तो कम लेकर जा नहीं सकते, बाइकल को खाना पीना कैसे करना, बच्चे कैसे खाना, तुम्हें तो तुम्हें आपको बोले लेकिन यहाँ गरीबों को कौन भी क्या कर ही नहीं ना देने वाले दिया भी नहीं। लेकिन गरीब क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या बड़े रास्ते जा रही है? कोरोना का मुझे अपने घर में है, बाइकल तो कम लेकर जा नहीं सकते, बाइकल को खाना पीना कैसे करना, बच्चे कैसे खाना,